आज हम लोग चीन में खेती कैसे की जाती है इस बारे में बात करेंगे। दोस्तों, दुनिया के कृषि प्रधान देशों की सूची में भी शामिल चीन एक कृषि प्रधान देश ही है। चीन के किसान खेती में उच्च स्तरीय तकनीक और मॉडर्न कृषि सामानों का इस्तेमाल भी करते हैं। चीन के किसानों के पास खुद की जमीन तो नहीं होती, वो खुद चीन सरकार से जमीन लीज पर लेकर खेती करते हैं। चीन में किसान खेती के लिए कोई भी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते और ना ही किसी चीनी नागरिक के पास खेती की जमीन मौजूद है। दोस्तों, चीन की सरकार देश की अधिक आबादी होने के कारण किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फसलों का उत्पाद हो, इसीलिए अधिक कृषि सुविधाएं प्रदान करते हैं। चीन के एक किसान की प्रति वर्ष औसत आय की अगर बात करें तो ये 9 लाख से लेकर 12 लाख रुपए तक की हो जाती है। चीन में दुनिया का सबसे ज़्यादा अनाज का खपत होता है, साथ ही यहाँ के लोग ज़्यादातर जानवर को भी खा लेते हैं, इसीलिए पशुपालन भी चीन का एक बड़ा व्यापार है। चीन का कोई भी नागरिक केवल 15 साल के लिए खेती करने के लिए जमीन किराए पर ले सकता है और किराए के रूप में पैसा या तो फसल का भुगतान सरकार को करना होता है। चीन का किसान शुरुआती दिनों में खुद की पसंद की बुवाई नहीं कर सकता, ये फसल सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, जबकि कुछ समय के बाद किसान को अपनी पसंद के अनुसार फसल बोने की धीरे धीरे छूट दे दी जाती है। चीन में 15% हिस्से पर ही केवल खेती होती है, जबकि भारत में 60% हिस्से में खेती की जाती है। दोस्तों, चीन पूरी दुनिया का 25% अनाज उत्पादन करता है। चीन का आकार बड़ा होने के कारण अलग अलग जगह पर अलग अलग फसल का उत्पाद भी किया जाता है। तो चीन के कृषि के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।